तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट्सएप के एक नए अपडेट के बारे में और कमाल के एक नए फीचर के बारे में जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, जिस फीचर का नाम है लिंक विथ फोन नंबर। क्या यह फीचर है, कैसे यूज करेंगे, सब आपको ए टू जेड आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आए सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया व्हाट्सएप के नए अपडेट के बारे में, तो उसके लिए सबसे जाना है आपको प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको अपने व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना है। फिलहाल ये जो अपडेट या बोल सकते हैं ये जो नया फीचर बताने वाला हूँ फिलहाल बीटा यूजर के लिए आया है, आने वाले टाइम पे सबको ये मिलने वाला है। क्या ये फीचर है, तो उसके लिए आपको अपने व्हाट्सएप को पहले तो ओपन कर लेना है। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद आपको जाना है यहाँ पर सेटिंग्स पे, सेटिंग्स पे जाना है आपको लिंक एंड डिवाइस पे। लिंक डिवाइस पे जाने के बाद आपको यहाँ पर लिंक का डिवाइस पे करना है। जैसे ही आप लिंक का डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट पहले यहाँ पर कैमरा खुलता था और आपको यहाँ पर क्यूआर कोड को स्कैन करना रहता था, उसके बाद ही आप अपने मोबाइल को दूसरे जगह खोल पाते थे। आप सकते हैं whatsapp.web पे आप इसको यूज़ कर पाते थे और बहुत दिक्कत होती थी, कहीं कहीं किसी के मोबाइल में कैमरा नहीं चल रहा या क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो रहा, तो बहुत इश्यू थे। तो इसको देखते हुए उन्होंने एक नया फीचर इसमें ऐड ऑन कर दिया गया है, वो है लिंक विथ फोन इनसाइड। तो ये नया अपडेट व्हाट्सएप की तरफ से अभी रोल आउट किया गया है। आप देख सकते हैं ये नया अपडेट क्या है। टू गेट योर कोड गो टू व्हाट्सएप ऑन द वेब ऑन अनदर डिवाइस देन क्लिक लिंक विथ फोन नंबर। तो आपको एक वो नया ऑप्शन मिलेगा लिंक विथ फोन नंबर का, चाहे आप व्हाट्सएप दो वेब में जाएं या फिर अनदर डिवाइस पे जाएं, दोनों पे ये काम करेगा। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे अपन इसका यूज करेंगे। तो ये आपको ये ऐसा ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 8 डिजिट का यहाँ पर कोड डालना है जो कि जब जनरेट होगा, जब आप whatsapp.web में जाके अपने मोबाइल से लॉग इन करेंगे तो वहाँ पर ये जनरेट होगा। तो ये पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ कैसे अपन को यूज करना है। तो उसके लिए मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर web.whatsapp.com पे आ गया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर आने के बाद आपको करना क्या है वो बता दूँ। आप चाहें तो अपने डिवाइस पे भी, या बोल सकते हैं मोबाइल पे, लैपटॉप पे, जहाँ भी आपको खोलना है उसको खोल सकते हैं। तो पहले एक बार इसको देख लो, ये खुल चुका है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसा ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको जाना है लिंक विथ फोन नंबर का ऑप्शन पे। लिंक विथ फोन नंबर पे जाएंगे तो आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा, आपको अपनी कंट्री चूज कर लेना है और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप आउट कर लेना है। तो आपको यहाँ पर ये कोड दिख जाएगा और व्हाट्सएप पे भी एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एंटर कोड टू लिंक अ न्यू डिवाइस करके आपको दिख रहा होगा। ऐसा ही व्हाट्सएप का एक कोड आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो कि अल्फाबेटिक है, न्यूमेरिकेटिक सब ही है इसके अंदर। तो आपको सबको कॉपी नहीं कर सकते, आपको इसको नॉर्मली टाइप आउट कर लेना है। तो मैं इसको करता हूँ टाइप आउट। तो जैसे ही आप यहाँ पर कोड डालेंगे तो ये प्रोसेसिंग चालू हो जाएगी और लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और उसके बाद आपका व्हाट्सएप वेब पे लिंक हो जाएगा। जैसे ही आप वहाँ पर एंटर कोड करेंगे और सारी चैट्स आपकी यहाँ पर खुल जाएंगी, आप देख सकते हैं पूरी चैट्स आपकी यहाँ पर खुल रही है। तो इस तरीके से आप इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं लिंक विथ फ़ोन नंबर करके। ये जो फीचर है सभी व्हाट्सएप यूज़र के लिए आ गया है, चाहे आप बीटा यूज़र हों चाहे आप नॉर्मल यूज़र हों, सबको एक बार व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना है और उसके बाद ये फीचर आप यूज़ कर सकते हैं। तो यही नया अपडेट था व्हाट्सएप की तरफ से जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पे DM करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दिया करो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और अगर आप मुझे कोई सजेशन या कुछ बताना चाहते हैं कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली DM करके भी बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।